YDSC एक्सपेरिमेंट या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कई बार बुक्स में सीधा लिखा होता है, बोर्ड में सीधा लिखा होता है, बोर्ड में भी पूरा नाम नहीं लिखा होता, एक्सप्लेन YDSC। तो प्लीज कोई ये ना कहे सर आपने YDSC नहीं करवाया। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को YDSC बोलते हैं। तो YDSC एक्सपेरिमेंट के अंदर ये दो सोर्सेज हैं और ये दो सोर्सेज में से लाइट निकल रही है। और लाइट कैसे निकल रही है, ये दो सोर्सेज में से जो लाइट निकल रही है वो कुछ इस तरीके से निकल रही है कि आपस में इंटरफेरेंस हो रही है। और यहां पर इंटरफेरेंस पे कहीं पर मैक्सिमा, कहीं पर मिनिमा, कहीं पर मैक्सिमा, कहीं पर मिनिमा। बेटर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमा को थोड़ा बड़ा करके दिखाया मैंने, ऐसा बैंड दिखेगा आपको, लाइट ज्यादा गिर गई, मिनिमा में डार्क दिखेगा, लाइट ही नहीं गिरी, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। इससे बेटर डायग्राम और भी है मेरे पास। ये लेजर लाइट से किया जाता है, व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस शो प्रॉपर नहीं करती। तो लेजर लाइट में सिंगल कलर लाइट होती है, तो रेड कलर की लेजर है मान लो, तो ऐसे दो सोर्सेज हैं, अगेन एमिशन हो रहा है या इंटरफेरेंस हो रहा है सॉरी। तो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कहीं पर लेजर ज्यादा दिख रही है, कहीं पर दिख ही नहीं रही, कहीं पर ज्यादा कहीं पर दिख नहीं रही। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये डायग्राम तो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैंने आपको जो पिछला लेक्चर दिया था वो यहीं से बना के दिया था। मुझे ज्यादा समझ में आता है ये, क्योंकि दो सोर्सेज हैं। अब दो सोर्सेज में से वेव ही वेव निकलती हैं हर तरफ। हाइगन ने कहा था वेवलेट निकलते हैं, एक्चुअल में वेवलेट नहीं है वो, एक्चुअल में वेव्स ही होती हैं हर डायरेक्शन में। तो इमेजिन करो वो वेवलेट पता है क्या होता है, मान लो एक रस्सी दे दो मेरे हाथ में टाइट, तो मैं उस रस्सी से वेव को यहां 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 ऐसे जनरेट करूंगा। तो सोचो वेव्स ही वेव जा रही हैं हर तरफ, तो लाइट ऐसे इमिट होती है। तो हर डायरेक्शन में मान लो सामने लाइट भेजनी है तो रस्सी को हर तरफ भेजूंगा मैं इस तरीके से, तो वेव्स ही वेव जाएंगी, वेवलेट होते हैं। तो उसने थोड़ा इजी तरीके से समझाया। तो अगर ये सोर्स है तो यहां से लाइट आ रही है, वेव्स ही वेव्स आ रही हैं, यहां से भी वेव्स ही वेव्स आ रही हैं। तो मैंने सारी ड्रॉ नहीं की, जो दिखानी है वही ड्रॉ की। कैसे, यहां से जो वेव आ रही है, यहां से जो वेव आ रही है, अगर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर गया, ट्रफ ट्रफ पे गिर गया, तो ब्राइटनेस का पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन कोई पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर क्रेस्ट ट्रफ पे पूरी तरह गिर जाएगा, डार्कनेस का पॉइंट है डिस्ट्रक्टिव। कई ऐसे पॉइंट भी होंगे जहां पूरी तरह क्रेस्ट ट्रफ पे नहीं गिरेगा, उसको हम डिस्कस नहीं करते। तो हम सिर्फ डिस्कस करते हैं या तो पूरी तरह कंस्ट्रक्टिव या पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव। तो ऐसा कुछ पैटर्न तैयार होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? दूसरी चीज, कैसे YDSC में यंग्स को पता लगा, कैसे हाइगन्स को पता लगा कि यार ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा, राइट? हाइगन ने प्रिंसिपल तो दिए थे, पर कैसे इन्होंने इमेजिन किया कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है? ये एक्चुअल में जो सारा कॉन्सेप्ट है ये पानी से ही आया है, क्योंकि वेव पानी में क्लियर दिखती हैं। तो ये देखो, I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there. It's light can't... If you shine a patterned rays of light on a... यहाँ तक क्लियर है? तो इसको जो आईडिया आया सब लोगों को कहाँ से आ रहा है? वाटर वेव से ही आ रहा है, वो 2D है। तो ऐसे ही किसमें हो रहा होगा? 3D में, लाइट में भी ऐसा ही कुछ फिनोमेना चलता है, ठीक है? जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो अब वापस चलते हैं अपने उस डायग्राम पे। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है? उसने पानी में करके दिखा दिया एग्जांपल, ये लाइट में ऐसा कुछ होता है, राइट? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।